हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है एचएससी ट्रेनिंग। ठीक है, एचएससी ट्रेनिंग जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये है तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का ही पार्ट, पर देखिए एचएससी जो है, एचएससी डिपार्टमेंट जो है वो हर सेक्टर्स में होते हैं। कोई भी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई भी होगा, उसमें सभी जगह ये डिपार्टमेंट आपको मिलेगा ही एचएससी। फिर उसका नाम चेंज हो सकता है, जैसे कि यहाँ एचएससी के बारे में बात करें तो किसी ने SEH रखा हो या SHE रखा हो, है ना, किसी ने EHS रखा हो, तो ये डिपेंड करता है कंपनी जो है वो किसको पहले प्रायोरिटी दे रही है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ HSC के बारे में बात करूँगी। तो HSC ट्रेनिंग क्या है, देखिए सबसे पहले ये होता है हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सेफ्टी रख रहे हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ साथ, अपने इंडस्ट्री की सेफ्टी के साथ साथ आपको एम्प्लॉयज़ की भी सेफ्टी रखनी है। उनके हेल्थ की सेफ्टी तो रखनी ही रखनी है और इन्वायरमेंट की भी सेफ्टी रखनी है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें। अब इसमें क्या आ रहा है, पहले हेल्थ, तो ये किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, पहले हेल्थ को दे रहे हैं, तो हेल्थ को ये प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो अब इसकी ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एजुकेशन क्या है, देखिए सबसे पहले हमारे जितने भी कोलीग्स हैं, जितने भी पूरा वर्क प्लेस है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सबको इसकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम प्रमोट करना चाहते हैं ट्रेनिंग को, तो देखिए उन सबको इसके बारे में, जब हम सेफ्टी को प्रमोट कर रहे हैं, हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, सेफ्टी को प्रमोट कर रहे हैं, तो वर्कर्स को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एजुकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और सारे एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्राइमरी फोकस क्या है, हमारे जो इंजरीज हो रही हैं, ज़ीरो एक्सीडेंट्स गोल क्या है, गोल्स अचीव जो करने हैं, एक गोल होता है अचीव ज़ीरो एक्सीडेंट गोल, हमें वो अचीव करना है तो क्या करना होगा, सबको ट्रेनिंग देनी होगी। पूरा जो स्टाफ है, स्टाफ है, पूरा जो भी वर्कर्स हैं, कोलीग्स हैं आपके, पूरा मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर हैं सबको ट्रेनिंग देनी है, सबको अवेयर करना है इससे। ठीक है, तो एजुकेशन प्रोग्राम इसे बोलते हैं कि आपको अवेयरनेस देनी है कि सेफ्टी क्या होती है, अदरवाइज़ लोगों को नहीं पता चलेगा, वो सोचेंगे अरे ये तो HSC डिपार्टमेंट है, HSC डिपार्टमेंट वाले जाने, HSC डिपार्टमेंट में होता क्या है, किसी को नहीं पता तो कैसे आप सेफ्टी रख लेंगे, हर एक बंदे की सेफ्टी रख रहे थोड़ी ना HSC डिपार्टमेंट का बंदा जाएगा, तो सबको अवेयरनेस देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमको ट्रेनिंग में उन्हें सिखाना है हमारे क्या पॉलिसीज़ हैं, हमें क्या फॉलो करना है सेफ्टी के लिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हमें कैसे रखनी है, अपने जो भी वर्क है उसमें हम एंटायर वर्क पे कैसे फोकस करें और अपनी सेफ्टी भी मेंटेन रखें, ये सारी चीज़ें उन्हें बतानी है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ जो भी वर्क कर रहे हैं उनके सबसे पहले उनको क्या करना है, अगर कोई एम्प्लॉय को इंजरी हो गई है तो उसको प्रिवेंशन देना, एफर्ट्स करना उसके, अगर वो बीमार है तो जानना कि इसे क्या प्रॉब्लम आई है, है ना, सारी चीज़ें ऊपर तक पहुँचाना ताकि अपन उसके टाइम रहते उसकी हेल्प कर सकें। ठीक है, हेल्थ पर ध्यान देना, उनके ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या, जैसे कि उनको वर्किंग करते टाइम कोई भी डिसीज़ उन्हें ना लग पाए। ठीक है, सेफ्टी ट्रेनिंग हम क्यों देते हैं, ताकि हमें पता चले। ठीक है, अब उन्हें क्या बताना है, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है उन्हें ये बताना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, कौन सा इक्विपमेंट कब यूज़ करना है, क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करना। ठीक है, इक्विपमेंट एंड मशीनरी के बारे में बताना है, केमिकल और हैजार्ड्स क्या होते हैं, मटेरियल सेफ्टी क्या होती है ये बताना है। आप सबको मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, एक्सीडेंट और इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या होते हैं, जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या इमरजेंसी होती है तो सबको इन्फॉर्म करना। ठीक है, रिस्पॉन्स कितने से कितने टाइम का रहता है वो आपको बता चुकी हूँ, 2 से 3 मिनट के अंदर या 3 से 4 मिनट के अंदर आपको ये करना होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPEs मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, सेफ्टी प्रैक्टिस आपको करनी है, जैसे कि उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, जैसे किस काम को किसी तरीके से के करने के लिए SOP बनाई जाती है तो उसको फॉलो करना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना। वर्क प्लेस हैजार्ड्स आपके क्या क्या हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, सेफ्टी एक्सीडेंट प्रिवेंशन आपको कैसे रखने हैं, आपको जो भी वर्क प्लेस है आपके उधर के HSC डिपार्टमेंट आपको सारी चीज़ें बता देगा, बस आपको वो फॉलो करनी है। ठीक है, बाकी आपकी ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, देखिए ट्रेनिंग देने के बाद बेनिफिट्स ये होंगे, सभी लोगों को सेफ्टी से अवेयरनेस रहेगी, सब लोग अवेयर रहेंगे कि हमें अपनी सेफ्टी खुद रखनी है। देखिए खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में है, आपको खुद ही अपने आप को सेफ्टी रखना पड़ेगी। ठीक है, अब क्या है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या निकलेंगे सेफ्टी के, उनके बारे में बताती हूँ। अब जब हम सेफ्टी ट्रेनिंग दे देते हैं अपने अपने पूरे डिपार्टमेंट को, पूरे वर्क प्लेस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको इन्फॉर्म कर दिया, हमारे ये सेफ्टी है, ये रूल्स हैं, ये पॉलिसीज़ हैं, ऐसी ये SOP है, इस तरीके से वर्क करना है, ये सारी चीज़ें आपने बता दी,
उसके बाद क्या होता है, अब आपको ऑब्जेक्टिव उससे क्या निकल गया ये भी तो पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव उससे क्या निकलेंगे, आपका ज़ीरो एक्सीडेंट गोल आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है। इंजरीज कम हो जाएंगी, पॉजिटिव हेल्थ सेफ्टी कल्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो अच्छी हो ही गई है ना आपको, आपने जब HSC ट्रेनिंग दी, HSC ट्रेनिंग के बाद आपने सेफ्टी ट्रेनिंग भी किया, तो उससे क्या क्या आपको बेनिफिट मिले, आपके सारे सारे स्टाफ मेंबर को, सभी को, सभी वर्कर्स को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि HSC ट्रेनिंग क्या होती है, सेफ्टी ट्रेनिंग उनको मिल गई, उनको क्या करना है कैसे करना है सबके बारे में नॉलेज हो गई। जब नॉलेज हो गई वो अवेयर हो गए तो वो खुद से खुद की सेफ्टी रख सकते हैं, उन्हें पता लग जाएगा कि हमको ये काम करना है तो किस तरीके से करना है, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या क्या हो सकता है। तो इस तरीके से वो अवेयर हो गया और उन्हें पता लग गया कि नहीं, इस तरीके की चीज़ें भी हैं जो हमको अपने कंपनी के लिए, खुद के लिए, सेफ्टी के लिए ये करना है, और सेफ्टी फर्स्ट है सबसे पहले, सारे काम बाद में, पहले सेफ्टी फर्स्ट। तो सेफ्टी फर्स्ट अगर रखनी है तो आपको ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी से रिलेटेड आपको पूरा अलर्ट रहना चाहिए, पूरा डिपार्टमेंट आपको अलर्ट रखना चाहिए, क्योंकि जब चेकलिस्ट बनाई जाती है, इंडक्शन होता है, तो सब कुछ देखा जाता है, आपके खाने से लेके पानी तक की चीज़ें, आपके वॉशरूम, स्मोकिंग एरियाज़, पॉलिसीज़, ड्रेस कोड्स, सिक्योरिटी, फायर इंस्टॉल्यूशन क्या कर रखा है आपने, कैसे इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है आपका, फायर ड्रिल क्या है, फर्स्ट एड क्या है, मॉनिटर जो भी आप कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, सारी चीज़ें कैसे आप देख रहे हैं, पूरा प्रोडक्शन से लेके मतलब सारी चीज़ें जब इंडक्शन होता है उसमें चेक करी जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके किस तरीके से है, डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इंटरफेसेस क्या है, सारी चीज़ें A to Z पूरी चीज़ें इंडक्शन में चेक की जाती हैं। और वहाँ इंडक्शन में आपको बता चुकी हूँ इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, मतलब जब आपका ऑडिट हो रहा है, इंस्पेक्शन हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है, जब मतलब कि क्या होता है, जब किसी कंपनी को आपको कोई आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट देना है तो वो पहले अपने उसके बारे में बताएगा ना कि हमारी कंपनी ऐसी है, ये चीज़ें हैं। तो जब इंडक्शन होगा आपकी कंपनी का, तभी तो, जब इंडक्शन अच्छा होगा तभी तो कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा ना, तो आपका एज अ प्रेजेंट करने के टाइम पे भी जब ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो ऑलरेडी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हाई लेवल पे पहुँचेगा, अपर लेवल पे पहुँचेगा, ठीक है। बाकी जो इंस्पेक्शन और ऑडिट्स होते हैं उनमें भी वो अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है। तो HSC ट्रेनिंग के भी बहुत खुद के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी ही होती हैं जब भी आप किसी अच्छे वर्क प्लेस पर वर्क कर रहे हैं तो, ठीक है। और सभी जगह ये फॉलो हो रहा है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेफ्टी पे ध्यान दिया जा रहा है, तो ये सेफ्टी ट्रेनिंग, HSC ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में बताया कि आप किस तरीके से सेफ्टी ट्रेनिंग रख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।